ये क्या कर रहे तू? ये क्या कर रहा हूँ? गलती से टच हो गया ना? क्या गलती से टच हो गया? कंडक्टर, कंडक्टर सुनिए, आप यहाँ भी आइए प्लीज। क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? ये बस को प्लीज पुलिस स्टेशन लेके चलिए, ये मुझे छेड़ रहा है। एक नाइट के 10,000 वाली चीज है तू। क्या कहा तुमने? क्या कहा दोबारा से बोलो, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। बोलो पुलिस। अरे तू पागल है क्या? हट पुलिस। अरे अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नमस्कार, सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में मैं सुशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में हम आपको दिखा रहे हैं 100 ऐसे लोगों की बेमिसाल कहानियां जो बनेंगे प्रेरणा 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। छेड़खानी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली इन महिलाओं और लड़कियों में आखिर यह हिम्मत कहां से आ गई? राह चलते छेड़खानी करने वाले मंचलों को लेकर पुलिस इतनी मुस्तैद कैसे है? आम लोगों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जागरूकता क्या इशारा करती है? जाहिर है इसका एक ही मतलब है कि अब मंचलों की किसी भी हरकत को ना तो लड़कियां बर्दाश्त करेंगी, ना समाज और ना ही पुलिस। छेड़खानी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जो हल्ला बोल यहाँ की सड़कों पर बेहद आम बात है, लेकिन इस मुस्तैदी, इस हिम्मत और इस जागरूकता से जुड़ी एक बहुत बड़ी वजह वो गीतिका है जिसकी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चल आजा, तेरे कपड़े सुखा दे, चल के अंदर। अरे आना कहाँ जा रही है तू? बड़ी ज्यादा हीरोइन बन रही है। चल अंदर बैठ, सामने बैठो, बैठ अंदर, चल। अरे लगता है तुम्हें बहुत जल्दी पहुंच गई, कोई आया ही नहीं। गीतिका, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम उन दो लड़कों ने किया? सर उस वक्त क्लासरूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। Well, I don't understand one thing, कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया? इस कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर सर ये बात अगर आप उन दोनों से जाकर पूछे तो ज्यादा बेहतर। काजल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों की पुलिस में कंप्लेन करके ही रहूंगी। गीतिका जाने देना यार, प्रिंसिपल सर ने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन पुलिस वाले पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। सही कह रही थी काजल, पुलिस के पास जाने का नाम भी मत लेना। अरे जो हुआ उसे भूल जा, और अपने पापा से तो इस बारे में जिक्र भी मत करना, समझी? लड़की से यार लड़की? नहीं सर, नहीं नहीं छेड़ूंगा सर। लड़की छेड़ता है तू? बोल दोबारा छेड़ेगा? नहीं सर। सॉरी बोल, बोल सॉरी, सॉरी बोल, सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर, दोबारा कभी नहीं करूंगा, बोल। दोबारा कभी नहीं करूंगा। दोबारा किया ना 3 महीने के लिए अंदर बैठा दूंगा, समझा? लड़कों ने हाफ न्यूड फोटो पर गीतिका का चेहरा ही तो लगाया है, कुछ सच में तो कपड़े नहीं उतारे ना। यस यू आर राइट, अब गीतिका को इतना ओवररिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब लड़के ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए चलिए लेट कर रहे हैं। आखिर क्यों हम लोग छेड़खानी को छोटी बात समझते हैं? क्यों इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं? पुलिस से लेकर समाज के हर वर्ग के ज्यादातर लोग छेड़खानी को नजरअंदाज कर देते हैं। गीतिका के साथ उन दो लड़कों ने जो घटिया हरकत की थी वो किसी भी हालत में बर्दाश्त के लायक नहीं थी, लेकिन अफसोस इसका एहसास सिर्फ गीतिका और उसके पिता को था। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 51 मिनटों में एक महिला छेड़खानी की शिकार होती है और हर 21 मिनटों में यौन शोषण की। तिरुवनंतपुरम, एक 13 साल की लड़की ने अपने साथ रोज रोज होने वाली छेड़खानी से तंग आकर एक दिन आत्महत्या कर ली। नोएडा, एक 18 साल की लड़की कॉलेज में अपने साथ होने वाली छेड़खानी से इस कदर डिप्रेशन में आ गई कि उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया।
मुंबई में एक लड़की ने अपने साथ छेड़खानी करने वाले एक लड़के की शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद उसी लड़के ने उस लड़की की इज्जत तार तार कर दी। भैया दो मौसमी जूस। मैडम सिर्फ मौसमी की जूस से काम नहीं चलने वाला है, आपको रात में डिनर पे ले चलना पड़ेगा। ठीक है ले चलूंगी पक्का। देख रहा है विजयन, एक काम कर, इस लड़की के पास थोड़ा धीरे धीरे लेके चला ऑटो, मैं एक मजा दिखाता हूँ। तूने नंबर नोट किया ऑटो का? सुना, छोड़ना, लेट इट बी, तू अपने बर्थडे के मूड में था। नहीं काजल, हमें इन लड़कों को नहीं छोड़ना चाहिए। विजय विजय, वापस ले, म्यूटल ले। विजय विजय, इस बार थोड़ा दूर से लेना, अब दिखा दो और मजा, थोड़ा सा दूर से दिया। ठीक है, एक पानी का, पानी ले ले। छोड़ूंगी नहीं उन्हें। कितनी का रुक, क्या क्या कर रही है? ये तो वही लड़के थे ना जो अभी हमें ऐसा छेड़खानी करके गए। चल चल कॉलेज चल। क्या बड़बड़ा रही है यार? ऑटो का नंबर नोट कर रही हूँ, पुलिस में अभी फोन करके बताती हूँ, सबके सब जेल जाएंगे। गीतिका सुन, तू देख शांत हो जा, एक काम करते पहले कॉलेज चलते, कपड़े सुखा लेते, उसके बाद जो करना है करना, ठीक है? चल चल, इस बार तुम लोगों को एकदम अलग चीज दिखाता हूँ। चलो ले 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 ले, रुक रुक रुक। चल आ जा, तेरे कपड़े सुखा दे, चल के अंदर। अरे आना कहाँ जा रही है? तू बड़ी ज्यादा हीरोइन बन रही है। चल अंदर बैठ, बैठो बैठ अंदर, चल। हाँ यहाँ ठीक रहेगा ना? हाँ ये लीजिए। अरे तुम जाके दूसरे काम देखो, गाजर का हलवा बना के नहीं? हाँ बना के किचन में रखा है ना। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखो, मैं सब करता हूँ। ओके हाँ, मेहमान भी आने वाले, बहुत देर हो गया। अरे तुम रुको मैं देखता हूँ। हेलो सर, गीतिका का एक्सीडेंट हो गया है। अब सिस्टर उठी कहाँ? अरे काजल, अरे ये सब गीतिका कहाँ? अंकल गीतिका को बहुत चोट लगी है, वो उठी में। सर आप लोग नहीं जा सकते। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे? हम बड़ी किसी के साथ में कॉलेज जा रहे थे। हे सुधे, चल आ जा, तेरे कपड़े सुखा दे, चल के अंदर। अरे आना कहाँ जा रही है? तो बड़ी ज्यादा हीरोइन बन रही है। चल अंदर बैठ, चल बैठो बैठ अंदर, चल। मेरी बच्ची कैसी है? आई एम सॉरी, उनके सिर पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। Thank you.
देखिए मेरे मेरे गीतिका को क्या हो गया। सरेआम सड़क पर गीतिका को इस तरह से घसीटने की दर्दनाक हरकत को छेड़खानी कहेंगे आप? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देने वाली बीमार मानसिकता छेड़खानी है? अगर हाँ तो नतीजे आपके सामने, जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता, जिसे समाज ने अपना सा लिया है। जरा महसूस कीजिए उस दर्द को जिससे गीतिका गुजरी होगी। बीच सड़क पर यह मनचले उसे घसीटते रहे, वो दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन एक भी इंसान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। समझ नहीं आता हम इंसानों के बीच रह रहे हैं या पत्थरों के, जिनकी चुप्पी ने आज गीतिका को भी पत्थर बना दिया था। वो कोमा में जा चुकी थी। अब पुलिस ने गीतिका की दोस्त काजल के बयान की मदद से उन लड़कों की तलाश शुरू की। क्या रे? इल्ला, कुछ मालूम नहीं सर। कुछ मालूम नहीं, ले चलो इसे थाने। मौसमी की तरह इसका जूस निकलेगा ना, तभी सच बोलेगा। चलो बताता हूँ। बोल। ओ, युवा प्रोग्रेस पार्टी के लोग थे साहब, पास के एरिया में रहते। नहीं, अब तुम्हें गीतिका का ध्यान रखना है। सर आपके लिए काजल का फोन आया। हेलो अंकल, अंकल पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ लिया है और पहचान के लिए मुझे बुलाया है। ऑटो में यही तीन लोग थे, लेकिन वहां कोई छेड़खानी नहीं हुई थी साहब। वो तो एक्सीडेंट था, मेरे सामने हुआ था। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे बताते क्यों नहीं कि मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की गई है? मिस्टर वेंकटरामन, मैं पूछताछ कर रहा हूं ना, आप प्लीज बैठ। काजल तुम बोलो क्या हुआ था। कोई छेड़खानी नहीं हुई थी सर। एक्सीडेंट हुआ था। काजल 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 मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा। बेटा अरे तुमने अंदर झूठ क्यों बोला? अरे यही बात तो तुमने मुझे बताई थी। I'm sorry अंकल, वो आपको फोन करने के बाद कुछ लोग मेरे घर से आ गए। और भाई साहब आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, पार्क बस ट्रेन कहीं भी लड़कियों के सेफ होने की कोई गारंटी नहीं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं 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 भाई साहब, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। लड़की की बदनामी, पूरे परिवार की बदनामी, और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो हमारे कार्यकर्ता है, इनोसेंट है। बस यही बात आपकी बेटी पुलिस में जाके बता दे तो अच्छी बात है, वरना मैं डर गई थी। तो बेटा ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी ना। सुनिए आप हमें माफ करिए। देखिए इन सारे चक्करों में मेरी बेटी को मत घसीटिए, हम बहुत परेशान। अरे आपकी बेटी तो अस्पताल में लेटी है, आप क्या चाहते हैं ये भी हॉस्पिटल चली जाए? आज आपकी बेटी सेफ है ना, मेरी बेटी के कारण। क्योंकि मैंने हमेशा उसे ये सिखाया कि गलत बात को कभी सहन नहीं करना, बल्कि उसका कड़ा विरोध करना। अगर आज मेरी बेटी मेरी सीख पर नहीं चली होती ना, तो हॉस्पिटल में मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती। चलो बेटी घर चलो। इंस्पेक्टर साहब ये एक्सीडेंट नहीं है,
मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई है। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकता क्योंकि आपके पास कोई गवाह नहीं है जो ये कह सके कि आपकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई थी या उसे मारने की कोशिश की गई थी। समझे आप? आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे ना? मैं आपके सीनियर्स के पास जाऊंगा और आपकी भी कंप्लेंट करूंगा। मैं उन लड़कों को एक्सीडेंट के केस में जमानत मिल चुकी है, अब आप चाहे मेरे सीनियर्स के पास जाएं या कोर्ट पे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे प्लीज जाने दो। कहाँ जा रही हो? हमारे साथ चलो ना, साइड में चलते हैं। कोई नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे जाने दो। हमारे साथ चलो ना। क्यों तंग कर रहे हो उस लड़की को? भागना, पुलिस के हवाले, पुलिस के हवाले करूंगा। चलो बेटा पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं अंकल, अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो घर वाले मुझे ही डांटेंगे। थैंक यू अंकल। मैं वादा करता हूं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन दरिंदों ने तुम्हारी ये हालत की है ना, मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगा। अपराध के खिलाफ जंग में हमारी सबसे बड़ी बाधा अपराधी नहीं होते, आम आदमी की वो चुप्पी होती है जिसे वो तोड़ना नहीं चाहते। आम आदमी का वो डर होता है जो उन्हें बुजदिल बना देता है और अपराधियों को बेखौफ। गीतिका के केस में भी यही हुआ। चाहे वो जूस की दुकान वाला हो या गीतिका की दोस्त काजल, किसी ने भी पुलिस के आगे जुबान नहीं खोली। काजल और उसके पिता तो कुछ लोगों की धमकी से इतनी दहशत में आ गए कि वो गीतिका का दर्द भूल गए, लेकिन गीतिका के पिता उसका दर्द कैसे भूल सकते थे? उन्होंने तय कर लिया था कि वो उसके अपराधियों को हर हाल में सजा दिलवा कर रहेंगे, लेकिन ये आसान नहीं था, वो भी उस सूरत हाल में जबकि मौकाए वारदात पर मौजूद सब लोगों ने अपने होंठ सिल लिए थे। क्या तुम्हें भी पॉलिटिशियन ने धमकाया है? देखो, अगर हम इन मुजरिमों से ऐसे डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अभी भी कहता हूं तुम मेरी बात मान, तुम मेरे साथ कमिश्नर साहब के पास चलो, वो तुम्हें सुरक्षा देंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए कोई सुरक्षा साहब, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये सब में मैं पड़ा तो। नहीं, मुझे माफ कर दो साहब। बेटा तुम तो यहां थे ना उस दिन जब वो दो लड़के मेरी बेटी को ऑटो से घसीट कर ले जा रहे थे? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। बेटा तुम तो थी ना उस दिन जिस दिन वो लड़के मेरी बेटी को ऑटो में घसीट कर ले जाने की मारने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, उस वक्त मैं क्लास में थी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग तो उसी के साथ पढ़ती हो ना, याद करो, वो मेरी बेटी गीतिका को वो घसीट कर ले जा रहे थे यहाँ से। नहीं सर, नहीं देखा। वाह, दिन के वक्त एक लड़की को इसी जगह पर दो लड़के ऑटो से घसीट कर ले जाते हैं, तुम में से किसी ने नहीं देखा? झूठ बोल रहे हैं आप लोग, कार है, बुज़दिल है। वो मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। अरे तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे, उसे इंसाफ मिले या ना मिले? मेरी वो लाडली बेटी है, मैं उसे इंसाफ दिला के रहूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा जिस तरह से तुम लोग खड़े हो। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहां से, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूं, लड़ूंगा आखिरी दम तक। मैं उन लोगों को सजा दिलवा के रहूंगा। गीतिका,
गीतिका के कॉलेज का प्रोफेसर हो। कल हमने गीतिका के लिए कॉलेज में एक प्रेयर मीटिंग रखी है, उसी के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आया था। जब कोई मर जाता है, ये रिवाज है कि उसके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा जाता है ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहां पर गीतिका के मरने से पहले शांत हो गए, चुप हो गए। अगर आप लोग सही माने में गीतिका की आत्मा की शांति चाहते हैं, उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि गीतिका का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आए और उन 3 लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। जिस दिन वो 3 लड़के पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी, उस दिन सही माने में मेरी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह से फॉर्मेलिटी और साइलेंस रखने से नहीं। धन्यवाद। डू यू नो सी, काजल को बचाने के चक्कर में गीतिका की जान चली गई है। मुझे तो ऐसा लगता है ऋतिक कि गीतिका को उसकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर उसने उसकी हेल्प की ही क्यों? काजल, क्या उसकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती तो गीतिका डेफिनेटली उसकी मदद करती। वो हमारे क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ऋतिक कि काजल गीतिका के मरने के बाद भी चुप है। राइट, चलो ऐसा करते हैं, आज से काजल जैसे ही क्लास में आएगी हम सारे वॉकआउट कर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना, वो ना ही 3 क्रिमिनल्स के खिलाफ कंप्लेंट करेगी और ना ही हम गीतिका को इंसाफ दिला पाएंगे। तो जब तक काजल कंप्लेंट नहीं करते थे, हम में से कोई भी उसके साथ क्लास अटेंड नहीं कर रहा। चलो आप आइए, यहाँ आके बैठिए रोज। लेकिन जब तक कोई गवाह आके यहाँ गवाही नहीं देगा, तब तक मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा, समझा? जाइए बैठिए वहां पे। और आज क्या बनाऊं, पाइनएप्पल या मौसम्बी? कुछ नहीं, जब तक तुम पुलिस में जाकर ना गीतिका के क्रिमिनल के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करवाते, तब तक हमारे में से यहाँ पे कोई भी तुम्हारे पास जूस नहीं पिएगा। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। क्यों जाएं? ना हम जाएंगे और ना ही किसी और को तुम्हारे जॉब पे आने देंगे। ये तो दादागिरी है। हाँ करेंगे ना दादागिरी, तुमने क्राइम जो किया है एक भद्दा क्राइम। माना कि गीतिका को मारने वाले क्रिमिनल हैं ही, पर तुम उन लोगों का साथ देकर क्यों क्राइम कर रहे हो? क्यों, जूस नहीं पीना क्या? नहीं, पढ़ाई से दिमाग गर्म नहीं हुआ? हमारा दिमाग तुझ पे गर्म है। क्यों, मैंने क्या किया? उन क्रिमिनल्स के कारण गीतिका तुम्हारे सामने मरी थी, लेकिन तूने झूठा बयान दिया पुलिस को। गीतिका को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो सिर्फ तुम्हारे और उस लड़की काजल की वजह से। तुम दोनों उन दोनों क्रिमिनल से बड़े क्रिमिनल हो। आज आपकी बेटी सेफ है ना, मेरी बेटी के कारण, क्योंकि मैंने हमेशा उसे ये सिखाया है कि गलत बात को कभी सहन नहीं करना बल्कि उसका कड़ा विरोध करना। अगर आज मेरी बेटी मेरी सीख पर नहीं चली होती ना, तो हॉस्पिटल में मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती। तू बड़ी ज्यादा हीरोइन बन रही है। अगर आप लोग सही माने में गीतिका की आत्मा की शांति चाहते हैं, उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आए और उन 3 लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। जिस दिन वो 3 लड़के पकड़े जाएंगे, उस दिन सही माने में मेरी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप क्या करने आए आप? आप तो उस दिन मिस्टर वेंकटरमन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली काजल तो शुरुआत से इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैं ही अपनी बेटी के लिए डर गया था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। अंकल आप चलिए मेरे साथ,
हम लोग अभी चल के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएंगे। आपको कहा ना, गीतिका केस की फाइल बंद हो चुकी है। अब आप ऐसे 15 दिन में आके कहेंगे कि हमें केस रीओपन करना है तो नहीं होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको काजल की कंप्लेंट लिखनी होगी। ये लड़की गवाह है, उस वक्त मेरी बेटी के साथ थी ये। किसी ने पहले गवाही दी थी कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। अब ये दोबारा से ऐसी गवाही देगी तो इसी पे झूठी गवाही का केस बनेगा। बन जाने दीजिए, मगर आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। केस बंद हो चुका है, कहा ना मैंने एक बार। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। जाइए यहाँ से। हवलदार बाहर निकालो इन्हें। चलिए बाहर, चलिए चलिए, उठिए, चलिए चलिए बाहर, चलिए। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया, कहता है केस बंद कर दिया है। केस बंद कर दिया? चलो सब देखते हैं कैसे नहीं लिखता रिपोर्ट। चलो आपको FIR लिखनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, तक आप FIR नहीं लिखेंगे तब तक हम सब यहीं रहेंगे। आपको FIR लिखनी पड़ेगी। आपको FIR लिखनी पड़ेगी। देखिए पुलिस की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। 15 दिन में कोई केस बंद नहीं किया जाता। आप FIR लिखिए। मिस्टर वेंकटरामन समझाइए इनको। अरे समझना तो आपको चाहिए इंस्पेक्टर साहब। जब तक आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। देखिए मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, जाइए यहाँ से। कोई नहीं जाएगा इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जाएंगे। आपको FIR लिखना पड़ेगा। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें लिखिए। कोई नहीं जाएगा, दादागिरी नहीं चलेगी। सॉरी बेटा। नहीं अंकल, आज जो मेरे साथ हुआ एकदम सही हुआ। अगर उसी दिन मैंने गीतिका का साथ दे दिया होता आज गीतिका मरती नहीं। दोबारा गलती की मैंने जो उन लोगों से डर के उन क्रिमिनल्स को पहचानने से मना कर दिया। लेकिन अब नहीं अंकल, अब मेरी सजा खत्म। अब उन क्रिमिनल्स को सजा दिलाने का टाइम आ गया। गीतिका के दोस्तों का साथ मिला तो गीतिका के पिता ने वो मशाल जलाई जिसने आगे चलकर लोगों के डर और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जलाकर रख दिया। वो सिर्फ गीतिका के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनकी ये लड़ाई सभी लड़कियों की सुरक्षा और उनके स्वाभिमान के लिए थी। इस दौरान वो गीतिका के कॉलेज के और साथियों और महिलाओं के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठनों से मिले। उन सब ने तय किया कि वो इस शर्मनाक घटना के विरोध में काली पट्टियां बांधेंगे। ये सब काली पट्टी बांध के क्यों घूम रही है? अरे वो लड़की थी ना गीतिका वेंकटरमन, उसे न्याय दिलाने के लिए। विरोध का ये तरीका बेहद कारगर रहा, हर जगह इसे लोगों का समर्थन मिला। और राज्य के गृह मंत्री और कमिश्नर को लगातार फोन करके पूछते रहेंगे कि गीतिका के अपराधी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, और जो लोग फोन नहीं कर सकते वो चिट्ठी लिखेंगे। और देखते ही देखते गीतिका के पिता की ये लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई। साथ ही लोगों ने मंत्री और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के फोन की घंटी को एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने दिया। हर बजती घंटी पर एक ही सवाल होता, गीतिका के हत्यारों के खिलाफ FIR कब लिखी जाएगी, कब पकड़े जाएंगे उसके हत्यारे। अगर हम लड़कियों को सेफ्टी नहीं दे सकते, क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकते, तो बोलो अपने साथ को किस काम के आप लोग। रेजिग्नेशन दे दे।
सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं, सभी लोग एक ही बात पूछते हैं कि गीतिका को इंसाफ कब मिलेगा। मिस्टर सर को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जब तक गीतिका के अपराधी को पकड़ा नहीं जाता तब तक हम ये पट्टी बांधे रखेंगे। आपने होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर को फोन किया? हाँ, सुबह से 4 बार फोन कर चुकी हूँ और हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक गीतिका को जस्टिस नहीं मिल जाता। ये लीजिए, ढेर सारी चिट्ठियाँ आई हैं। शर्म करो, जागो मंत्री जी, गीतिका को जस्टिस दो, गीतिका के अपराधियों को पकड़ो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हेलो, गृह मंत्री बोल रहा हूँ, क्या हुआ गीतिका के केस का? सर वो सारे अरेस्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाने चाहिए। मुझे 3 दिन के अंदर सारे अपराधी पुलिस कस्टडी में चाहिए। इट्स माय ऑर्डर सर। हेलो इंस्पेक्टर सर, गीतिका केस के सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करो। सर लोकल पॉलिटिशियन का बहुत प्रेशर है, वो FIR दर्ज नहीं होने दे रहा। सीधे होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, अगर कोई लोकल लीडर बोले तो उसे भी अंदर कर देना। सर सुनील, अगर तू कहीं भाग सकता है तो भाग ले, क्योंकि अब तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। पर नेताजी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से गीतिका के पिता द्वारा चलाए गए आंदोलन को जिस तरह का जन समर्थन मिला है, उसके बाद से अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को अब मजबूर होना पड़ा है। पुलिस ने तीनों अपराधियों सुनील, विजयन और राजशेखर के खिलाफ हत्या और छेड़खानी का मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा अगले हफ्ते से इस केस की सुनवाई अदालत में शुरू की जाएगी। 2 साल तक अदालत में ये केस चला। काजल और उस जूस की दुकान वाले ने उन तीनों अपराधियों के खिलाफ बयान दिया। सुनवाई के दौरान जज साहब ने स्टेट लॉ कमीशन को ऑर्डर दिया कि छेड़खानी जैसे मामलों को बेहद गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए और इसके लिए एक कड़े कानून की रूपरेखा तैयार की जाए। अदालत ने इस केस के मुख्य आरोपी सुनील और उसके साथियों को IPC की धारा 509, 354 और 304 के तहत छेड़खानी और हत्या के आरोप में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन गीतिका को सही मायनों में इंसाफ तब मिला जब राज्य सरकार ने तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ विमेन एक्ट 2002 लागू किया। इस एक्ट के तहत किसी भी महिला के साथ छेड़खानी या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने वाले अपराधी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और ये एक गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। यदि छेड़खानी की वजह से कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो अपराधी को 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और यदि छेड़खानी के दौरान किसी महिला की मृत्यु होती है तो अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही साथ अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि छेड़खानी या दुर्व्यवहार की घटना होने पर महिलाएं क्या कदम उठा सकती हैं, इस बारे में भी उन्हें जागरूक किया जाए। अगर आपके साथ कोई सड़क पर छेड़खानी करता है तो उसे चुपचाप मत सहिए। अगर पास ही कोई पुलिस की पेट्रोल वैन है तो वहां खबर करें, या कोई वर्दीधारी पुलिस वाला दिखता है तो उससे शिकायत करें, क्योंकि पता नहीं ये छेड़खानी कल किस क्रूर रूप में आपके या किसी दूसरे के सामने आएगी। हो सकता है छेड़खानी के किसी मामले में कल कोई चुप रहा था इसलिए आज आपके साथ ये हुआ, और अगर आज आप चुप रहेंगी तो कल किसी और के साथ ये होगा। किसी भी अपराध को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है उसके खिलाफ आवाज उठाना। क्या आप जानते हैं अगर कोई महिला कार्यस्थल पर छेड़खानी या सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करे तो ऑफिस प्रशासन के लिए अनिवार्य है कि वो उसी ऑफिस की एक और महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करें और फौरन शिकायत पर कार्रवाई करें। अगर बस में आपके साथ कोई छेड़खानी करता है तो आप इस बात की शिकायत उस बस के कंडक्टर से कर सकती हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कंडक्टर को बस नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाने को कह सकती हैं, और अगर कंडक्टर ऐसा ना करे तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। गीतिका के पिता ने अपनी बेटी को तो खो दिया, लेकिन उनकी ये लड़ाई न जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं को घरों के बाहर भी महफूज रखने में एक बहुत बड़ी पहल बन गई। लेकिन उनकी पहल को अंजाम तक पहुंचाना
हमारे हाथ में। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर किसी भी महिला के साथ छेड़खानी होते देखें तो मूक दर्शक ना बने रहें, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और सभी महिलाओं से हमारी ये प्रार्थना है कि डरिए मत, सहिए मत, इस छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाइए। याद रखिए, आपकी एक आवाज ही इन मंचलों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।